हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह का समय है और हम दूध निकालने की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी और मैं। मैंने मेरा बच्चा खोला हूँ, ठीक है, बहुत बड़ी खा रहा है। गंगा ने दूध पीना शुरू कर दिया है और उसके बाद मम्मी दूध निकालेगी। और दोनों माँ बेटी आपस में एक दूसरे का लाड कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज कितना कोहरा पड़ रहा है, दो तीन दिन में आज कोहरा पड़ा है। और दो तीन दिन पहले अच्छी धूप निकली थी, कल बहुत कड़ी धूप थी, वो मौसम बहुत अच्छा था और ज़्यादा तेज हवा भी नहीं थी। तो देखिए आज पूजा क्या बना रही है, क्या बनाया पूजा? रात की सब्जी रखी, हमारे सब्जी रखी रात की, और हलवा गर्म हो चुका है, रात हलवा ही बनाया था। हलवा खा लीजिए दोस्तों। और मम्मी ने हलवा बनाकर एक भिगोने में रख दिया था, आप देख सकते हैं ये भिगोना बिल्कुल भरा रखा है। तो हलवा खा लीजिए, अभी मुँह मीठा कर लीजिए। और 15 दिन में दूसरी बार हमारे यहाँ हलवा बनाया है। और अंदर पापा जी कर रहे हैं नाश्ता, हलवे का नाश्ता चल रहा है। और आप भी नाश्ता कर लीजिए और मेरा भी आ गया नाश्ता। तो नाश्ता कर लीजिए हलवे के साथ और चाय के साथ। हलवा हमने गर्म कर लिया है, ये ठंडा हो गया है, गुड़ा निवा हो चुका है हलवा। और दोस्तों मम्मी बना रहे हैं पेड़े, सिंपल मावा और बूरा है बस। और सकट वाले दिन मम्मी ने कमी पेड़े बनाए थे, दो चार पेड़े बनाए थे पूजने के लिए। उस दिन बहुत ज़्यादा काम था और गाजर का हलवे बनाया था और वो भी काम थे, तो इसलिए मम्मी ने 5-6 पेड़े बनाए थे उस दिन। और आज मम्मी पेड़े बना रहे हैं सारे, जितने मावा बचा है 1 किलो बूरे के। बूरा मावा अच्छी तरह से मिक्स कर रही है मम्मी, जिससे कि पेड़ा अच्छे बने और जिससे मावा और बूरा अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद मम्मी ने पेड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, देख सकते हैं आप, दोनों हाथों से गोल गोल पेड़े बना रही हैं मम्मी। और दोस्तों खा लीजिए पेड़ा, क्योंकि आज तो पेड़ा खाने के लिए है, भगवान जी को तो भोग मम्मी ने सकट वाले दिन लगा दिया था। और पेड़े मम्मी ने बना दिए थे, उसके बाद मम्मी अपना हार बनाने लगी, देख सकते हैं आप। और हारे की जो स्टैंड था वो तो बन कर तैयार हो चुका था और सूख भी गया था, देख सकते हैं आप। 3-4 दिन में अच्छी धूप निकली और आज फिर अच्छी धूप निकली है। सुबह तो मौसम बहुत ख़राब था, कोहरा था ज़्यादा, लेकिन दोपहर होते होते अच्छी धूप निकल गई। तो देखिए मम्मी ने अंडी से तार दिया इसे और देखे कैसा बना है हमारा हारा। और आज मम्मी हारे की ऊपर की सतह बनाएगी। और देखिए मम्मी ने ये गारा तो पहले भेज दिया था जब स्टैंड बनाया था हरे का, और उसके बाद मम्मी जो है आज हरे के ऊपर की परत बनाएगी एक एक सार। और गारा मम्मी पहले भेज चुकी थी, आज तो सिर्फ मम्मी ने इसका जो है इसमें भूसा मिलाया है, और भूसा मिलाकर मम्मी आज ये परत बना देगी, शुरू कर देगी आज बनानी। भूसा और गारा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मम्मी ने, जिससे कि मजबूत पकड़ बना सके भूसा। मम्मी ने दूसरा पार्ट बनाना शुरू कर दिया इसका, थोड़ा थोड़ा पानी लगा रही है पहले इसकी बाउंड्री सी पे, और फिर उसके बाद गारा लगा देगी जिससे वो अच्छे से पकड़ कर सके। पानी इसलिए लगाया इस पर,
और देखिए ये गारा मम्मी ने पूरा लगा दिया है इस पर, इसके दूसरा पार्ट अच्छे से बना रही है और इस पर अंडी बना कर तर रही है। ये दूध की अंडी है, देखिए अंडी का बिल्कुल साइज अच्छा है क्योंकि इसमें अंगारी भी रखी जाती है, आग भी रखी जाती है, तो अंडी बिल्कुल अच्छे से आएगी इसमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल साइज बिल्कुल फिट बैठा है। और हरी पे गरा लगाने के बाद मम्मी इसको पानी के द्वारा बिल्कुल चिकना कर देगी जिससे कि ये उबड़ खुबड़ ना रहे और बिल्कुल प्लेन कर देगी इसको। और हरी का दूसरा पार्ट बनकर तैयार हो चुका है और दो पार्ट इसके बाद और बन जाएंगे और फिर हरी बनकर तैयार हो जाएगी और उसके बाद सूखनी रह जाएगी और उसके बाद दूध रंगना शुरू कर देगी मम्मी इसमें। और बड़ी पतीली मम्मी ने रखी है इस पर और उसका भी साइज बिल्कुल फिट आया है, जोड़ी पड़ी है। दूसरा पार्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब नंबर है छोटी हरी का। और दोस्तों एक बार और बता दो, मम्मी ने एक छोटी हरी और बनाई है लेकिन इसकी वीडियो हमने आपको नहीं दिखाई है और इसका स्टैंड बनता है आपको दिखा रहे हैं। और दोस्तों छोटी हरी आप देख सकते हैं, ये मम्मी ने बड़ी हरी के बाद ही बनाई है। गारा बहुत अधिक बच रहा था तो इसलिए मम्मी ने छोटी हरी बना दी थी, तो इसकी वीडियो आप देख सकते हैं आज। और ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है, सिर्फ छोटी पतली की हरी बनी है। तो मम्मी को दिन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और पूजा को भी, और हम तो अपनी ड्यूटी पे जा रहते हैं। और शाम हो चुकी है आप देख सकते हैं, तो मम्मी ने अच्छा वो चादर उड़ा दिया गंगा को और उसके बाद इनके नीचे सुखो करेगी और पेड़ का पल छोड़ देगी। तो हम तो लेट आते हैं, हमें 6:30-7 बज जाते हैं और पापा जी तो 5:30-6 बज जाते हैं और ये छोटा भाई ड्यूटी से आया अभी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। राम राम जी।